नमस्कार, मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं जनता की राज में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सैकड़ों किसान जो अपना हक मांगने के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां देखा जाता किसान को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आज ये देख रहे हैं हमारे पीछे कितने किसान हैं। अच्छा, आज किसान नौजवान सब परेशान हैं इस सरकार से। जवान वहाँ इलाहाबाद में शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं, किसान यहाँ धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं पानी में। अच्छा, और जो ये प्रशासन है और बीमा कंपनी है, ये किसानों का पैसा नहीं देना चाहती, क्योंकि ये किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि आप किसान कमजोर रहेगा देश का हमारा, तो ये व्यापारी बाजार मार्केट कैसे खुशहाल रहेगा, क्योंकि किसान के हम बेटे हैं। यदि आज किसान ही दुखी है तो ऐसा जीवन हमारा धिक्कार है। हम लोगों को मिलकर सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि किसानों से ही अर्थव्यवस्था चलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ यदि किसान दुखी है तो सब कोई दुखी है, क्योंकि किसान यदि आज इस हालत में है तो इसकी आप ये देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं रैली में बहुत किसान कम आए हुए हैं। यही कहीं धार्मिक यदि प्रस्थान होता, यदि धार्मिक कहीं अंधविश्वास फैलाया जाता तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठानी पड़ती तो एक एक को बुलाना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, यदि कोई धर्म पुण्य की वैसी बात है, आप देख रहे होंगे यदि चित्रकूट वाले जाने के लिए मेला होगा तो हजारों की संख्या, क्योंकि ये अपना हक नहीं लेना चाहते, अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहते। इसीलिए आज हमारा बुंदेलखंड का किसान पीछे है। चाचा क्या कहना चाहोगे? आप देख रहे हैं बहुत भीड़ कम है, लेकिन यहाँ जब कहीं मंत्री कहीं चित्रकूट वगैरह जाना होता तो हजारों की भीड़ हो जाती बिना बुलाए। अब मंत्री आता होता तो लाइन लग जाती, लेकिन अब कोई नहीं लड़ने आ रहा है। किसान आ गया था, कटाई का समय किसानों की कटाई वगैरह के समय चल रहा है, इसलिए किसान धीरे धीरे कसरत होगा, किसान एक घर धीरे धीरे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ जी, निवेदन किया आपके सामने, बराबर आ रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हैं जी। एक ही फलिया नहीं लगी जी। हम किसान कैसे जिएंगे जी, कैसे अपना ये भरण पोषण करेंगे जी। इसीलिए हम निवेदन भी कर रहे हैं जी, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारा 22-23-24 इसका जो है कि बीमा दिलवाएं, सरकार से ये निवेदन है। फसल वैसे कितनी परसेंट नष्ट हो गई होगी? फसल हमारे यहाँ 90% नष्ट हो गई, नष्ट हो चुकी है। कोई सर्वे में हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ। सर्वे की मांग के लिए फिर रहे हैं, फिर भी आज तक सर्वे के लिए उन्होंने अपने पैट पे लिख के तक नहीं दिया, और क्या मध्यवर्ती सर्वे के लिए और क्या कर सकते हैं ये। इसलिए सरकार से निवेदन भी करते हैं और संघर्ष भी करेंगे, अगर हमारा निर्णय नहीं हुआ तो। जय जवान। किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बराबर करता चला जा रहा है। किस लिए? इसी वजह से, अगर ये फसल हो जाती उसके लिए जीवन का आधार बन जाता। किसान ही इस देश का जीवन का आधार है। बिल्कुल, किसान से व्यापारी भी जुड़ा है, अधिकारी वर्ग भी जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है। हर शख्स ऑफिसर से लगाकर इस महारैली में जो आप निकाल रहे हैं, इसमें बहुत कम भीड़ है। अगर यदि कहीं धार्मिक जगह की बात की जाती तो हजारों सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये अपनी अपनी समझ जी। अगर किसान का बेटा है तो किसान के साथ चलेगा जी, अगर किसान का है ही नहीं तो ये क्या जाने भीड़, और क्या जाने ये विविधता जो हम सहन कर रहे हैं। बराबर हम संघर्षों से गुजर रहे हैं, किसान रोज डेली मर रहे हैं। क्यों मर रहे करके सभी डीएम से लगा करके सबको ज्ञापन दिया, क्या उन्होंने सुना? आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, आप कृपया किसान की मांगों को स्वीकार करें, और उनकी मध्यवर्ती और जो भी सर्वे करवाई गया वो करवाएं, करवाने के साथ साथ इसका मुआवजा भरवाएं, नहीं तो वही बात होगी
ये हिंदुस्तान वीरों से खाली नहीं है, ये हिंदुस्तान वीरों से खाली नहीं है, ये नगर भी झांसी नगर है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान अन्न का दाता है, हिंदी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, हिंदी मारा जाता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ और कंपनी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कंपनी साली जो कंपनी है क्या ऑफिसरों से चलती है? ये जो है ऑफिसर कंपनी से, ऐसा क्यों कहा जा रहा है हमको? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कंपनी से हम फोन करके बात करते हैं? आप कंपनी से बात करेंगे, एक लेवल ऑफिसर हो करके आप कंपनी से बात करोगे है? किसानों की बजाय आप कंपनी से बात कर रहे हैं है? आपको किसान के लिए कृषि विभाग ने एक पत्र जारी किया था, उसको इस कंपनी ने ठंडे बस्ते पे डाल दिया और किसानों को बीमा नहीं दिया। इसके बाद खरेला के लेखपाल द्वारा असफल बुवाई की रिपोर्ट देने के बावजूद भी इस कंपनी ने खरेला के किसानों पे बीमा का भुगतान नहीं किया अभी तक। इसके बाद जिले में रवि में ओलावृष्टि हो गई थी, उसका इस बीमा कंपनी ने अभी तक कैसे होगा, 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 कै